वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 वंदे मातरम 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 रिंके के शर्मा जी भी बोल दे मातरम मातरम आवाज का मातरम 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 भारत माता की। तो सारे आए पाया मैं पार्टी की तरफा परिवार की तरफा थोड़े इसलिए असें भी मन मनाया कि थोड़े पुष्प का कने थोड़ा स्वागत किया जा। मेरे को शब्द नहीं है जो परिस्थितियां बनिया जो माहौल बनाने की कोशिश की जो वातावरण बनाने की कोशिश की थी। एक टोली कुछ लोग रही है ना मैं उन्हें क्षमा मंगना बननी है इस मंच के जरिए मेरा सारे को क्षमा है कि मैं शायद कुछ की स्नेहा भी नहीं दे सका हुआ इसलिए क्योंकि 8 तरीक नतीजा निकलिया थोड़ा सारे आना जाना रहा। मेरी एक टोली मेरे टीम के मेंबर्स उन्हें जेड़ा जेड़ा भी उनके कोल मकैनिज्म था सारे की स्नेह शायद नहीं पूजने जिन्हें साथियों की स्नेह नहीं पूजे उनके कोला मैं क्षमा मांगना। पर साथियों बहुत ही बेहतरीन चुनाव तुसा सारे लड़े आज बारे 10 हुई मोदी जी की सरकार बने दे 10 साल इस हिंदुस्तान च लगे 11 साल लगे इस 10-11 बरे च वर्ष 2014 भी याद है वर्ष 2014 च माहौल ऐसा था वातावरण ऐसा था कि पूरे मुल्क च त्राहीमान 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 था पूरे मुल्क च अस्थिरता थी व्याकुलता थी भयभीत माहौल था और सारे माहौल च 2014 चुनाव हुए साथी अस आख्या और मैं बड़ी बारी यह गल आखी कि हिंदुस्तान के इतिहास एक इतिहासिक वर्ष जिसने भी कदा इतिहास लिखो वर्ष 2014 हिंदुस्तान के इतिहास एक इतिहासिक वर्ष होने वाला है। उदा नमूना थोड़े सामने मैं बड़ी गल्ला नहीं विशेष मैं बड़ा विश्लेषण नहीं करना मगर साथियों जेड़ा चुनाव तुसें आज लड़िया आए हो इस प्रांगण इस पंडाल च बैठे दे आए हो ये चुनाव भी विशेष चुनाव था है और रहेगा। मगर जेड़े तुसें नत्ती पैरेदार चौकीदार चुनी है कि पूरी ताकत कने थोड़ी बाबाज बनी आस असेंबली लड़के अगर ईश्वर की पंजूर है मगर उदे कने कने मोहर दिना जेड़े सरकार बना देन महाराज डिलीवरी का टाइम जो सारा संकल्प हा असें लोके च रखिया जो उनका संकल्प है उन्हें भी अपने लोकें च रखिया मगर आज उनका टाइम है
वहां से अस 10 सिलेंडर देंगे, 1 लाख रोजगार देंगे, ओदे कने दाएं बाएं कने गल करके। मगर एक बड़ी विशेष गल उन्हें आखी, उन्हें आख्या साड़ी सरकार बनाओ, अस 370 वापस लियाने का काम करके। साथियों इस मंच दे जरिए मेरा ओपन चैलेंज है, एक पीढ़ी नहीं 100 पीढ़ियां उमर अब्दुल्ला दियां आंगन 370 इस रियासत च। इट्स अ हिस्ट्री, इट्स अ पास्ट, ए पास्ट है, हिस्ट्री है। तुसें सानू ताकतवर बनाइया भेजा, आज डंके दी चोट उपर लड़ाई लड़ गए और देश दी अखंडता मी पुछा रहे प्रेस वाले। असें चुनाव लड़िया, असें चुनाव लड़िया फॉर वन इंडिया, इंटीग्रेटेड इंडिया, यूनिफाइड इंडिया। साड़ा स्टैंड पहले भी ये था, आज भी है, अगला संघर्ष भी साड़ा ही है। तुसें कोई चिंता नहीं करनी। और जेड़े लोग गुमराह हुए, जेड़े लोग दाएं बाएं ना जीते, आज थोड़े सामने पिक्चर है। जेड़े 2-3 हजार लोग जीते, आज वो लोग कुत्थे गए, तुस समझ दे। मैं इसलिए चुनाव जाख्या, मैं एजेंडा इन द सेम है, स्ट्रेटजिक अलायंस है। दाएं ला बाएं ला चोरी करने बैकडोर करने दाएं बाएं दरवाजे तुपिए, आज वो 3 लोग नहीं जीते होंगे शायद जम्मू की नुमाइंदगी भी नहीं होंगी। जिस विश्वास करने तुसे वोट पाया, जो थोड़े विकास के कार्य, जो थोड़ी दुख तकलीफ हो, भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही थोड़े खड़ोते है, थोड़े संघर्ष करेगा। लड़ाई हो चाहे असेंबली च लड़नी पो, चाहे वो लड़ाई सड़के पर लड़नी पो, साथियों मेरा वादा है थोड़े कहने थोड़ा मैं सड़क भी चुकन नहीं देगा। मैं चिंता नहीं करनी, इसलिए नहीं करनी कि जब तक मोदी थोड़ा सेंटर च बैठे ना, बाल नहीं पाका कर सकता इस रियासत का कोई।